हेलो फ्रेंड्स, प्रेम द किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ खास और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी, जिसको हम अक्सर बाज़ार से ख़रीदते हैं। और आज मैं इस रेसिपी की कुछ खास ट्रिक एंड टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ना तो इसका मसाला तेल में बिखरेगा और ना ही तेल पिएगा और ना सख्त होंगी और इतनी खस्ता और क्रंची बनेंगी कि आपको यह भी विश्वास नहीं होगा कि यह रेसिपी मैंने घर पर बनाकर तैयार की है। तो इसे बनाने के लिए हम चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। आप चाहें तो अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मोवन डालेंगे, तो मैंने मोवन के लिए यहाँ पर देसी घी लिया है। आप चाहें तो तेल या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर लेंगे अजवाइन और उसे हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमें अच्छे से घी को आटे में मिला लेना है और ध्यान रहे कि इसमें मोवन परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, हम मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो जो हमारी मुट्ठी है आसानी से बंद हो रही है। तो इसमें यानी मोवन अच्छे से लग चुका है। यदि कम रहे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इस तरह हम यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो इसका जो आटा है हमें न ज़्यादा सख्त लगाना है और न ही ज़्यादा हमें गीला लगाना है। अब आटा लगाने के बाद हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 से 3 यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से फोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए मैसर की सहायता से इन्हें अच्छे से फोड़ लिया है। अच्छे से मैश करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ मसाला ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है, उन्हें बारीक कट कर लिया है। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ लेंगे, 1 चम्मच ही यहाँ पर हम लेंगे आमचूर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब 1/2 चम्मच यहाँ पर लेंगे हम गरम मसाला और 1 प्याज लेंगे, उसे बारीक कट करके डाल देंगे। अब यहाँ पर कुछ लेंगे धनिया के पत्ते और सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस तरह मसाला पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 1/2 कटोरी आटा लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। और नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम मसाले में भी और आटे में भी डाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी हमें इसे न थिक करना है, न ज़्यादा गीला करना है, हमें इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह इसे रखना है। हम 1 चम्मच डाल के देखेंगे इसमें, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे चम्मच के पीछे। तो आसानी से देखिए चम्मच में लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यानी जो हमारी सैलरी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को हम अच्छे से फिर से गूंदेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी, यानी जो हमारा आटा है अच्छे से चिकना हो जाएगा। और घी लगाने के बाद हम इसको एक डो तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए 2 लोई बना लेंगे इसकी। आप चाहें तो 3 भी बना सकते हैं या फिर 1 भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको देखिए 2 लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम देखिए स्लैब पे ही लोई को रखेंगे और अब यहाँ पर हमें न इसमें घी लगाने की ज़रूरत है और न ही हमें आटा डस्ट करने की। तो ये आसानी से बिलकर तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने आटा ही कुछ इस तरह से लगाया है। तो देखिए, हम एक इसे रोटी का शेप दे देंगे। तो थोड़ा इसको पतला ही बेलना है और आप इसे कैसे भी बेल सकते हैं, यानी राउंड शेप में या कैसे भी इसका साइज कैसे भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो हम इसे साइडों से अच्छे से कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए चारों तरफ से इसे कट कर लिया है, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है बनाते टाइम बहुत अच्छा बने। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है हम उसको हटा लेंगे। अब यहाँ पर हम बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है और इसे हम लगा देंगे। यदि आपके पास ग्रीन चिली ना हो तो आप सॉस लगा सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने
आलू का मसाला बनाया है, हम उसको लगा देंगे और चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। तो मसाला हमारा देखिए अच्छे से लगना चाहिए और हम साइडों में से कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जिससे कि हम अच्छे से इसको फोल्ड कर सकें। तो इस तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा सा राउंड शेप करते जाएंगे। तो इस तरह हम देखिए इसे अच्छे से मोड़ते जाएंगे। और ये आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमें धीरे धीरे इसे आसानी से फोल्ड कर लेना है। और लास्ट में जो जगह बची हुई है उसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसे हम थोड़ा सा हाथ से और प्रेस कर लेंगे जिससे उसकी जो अच्छे से पतला हो जाए वो। और इसमें थोड़ा सा पानी लगाने के बाद हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। पानी लगाने से ये छूटेगा नहीं और ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए इसे हम बहुत अच्छे से चिपका देंगे और इस तरह हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि जो इसके कॉर्नर हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम एक चाकू लेंगे और उसमें से पहले थोड़ा सा हिस्सा हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से कट करते जाएंगे। तो देखिए आसानी से कट जाता है। तो इसी तरह हम देखिए चाकू से इसमें से थोड़े थोड़ा सा हिस्सा हम कट करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे कट करना है। हमें इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और इसकी हम कुछ इस तरह से लोई सी बना कर रख लेंगे। तो हम सभी नाश्ते को अच्छे से इसी तरह कट करके रख लेंगे साइड में। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसको एक बर्तन में रख लेंगे। तो इसी तरह हमें सभी नाश्ते को पहले बनाकर रख लेना है और इसे हम 4 से 5 मिनट बनाकर रख लेंगे जिससे कि इसमें थोड़ी सी हवा लग जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम सलेरी को लेंगे और जो हमने नाश्ता बनाया है उसको हम इसमें डिप करेंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से एक एक करके डालते जाएंगे। तो इसी तरह आप देखिए सभी नाश्ते को हमें पहले डिप करना है और उसके बाद हमें इसे तेल में डाल देना है। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे हाथ से भी डाल सकते हैं। तो पहले इस जो ये हमने नाश्ता बनाया है उसको पहले हम सलेरी में डिप करेंगे और इसे फिर तेल में डालेंगे। तो इसी तरह हमें सारा नाश्ता तेल में डाल देना है और ध्यान रहे कि हमें तेल में ज़्यादा नहीं डालना है, तो थोड़ा स्पेस ही रखना है, नहीं तो ये जो नाश्ता है एक दूसरे के चिपक जाएगा। तो 1 मिनट होने के बाद हम इनको पलट देंगे। तो आप चाहें तो इन्हें फॉक से या चाकू से चम्मच से कुछ से भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसे उलटते पलटते हुए सेक लेंगे और ये 1.5 से 2 मिनट में आसानी से सिक कर तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तो देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम सभी नाश्ते को बाहर निकालेंगे, एक बर्तन में निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेकेंड बैच भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम उलटते पलटते सेक लेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाते हैं। और ध्यान रहे कि हमारा जो गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नाश्ता अंदर से कच्चा रह सकता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यदि आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।